एक बार आप आधे घंटे के लिए खंडवा से आप सब हट जाओ, हम निपट लेंगे उन लोगों से। तो आधे घंटे की तो बात छोड़ो साहब, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, वक्त बताएगा क्या होगा। आधे घंटे के लिए पुलिस हटा लो तो इनको देख लेंगे। हिंदू संगठन ने पुलिस अधिकारियों के सामने यह जबान इस्तेमाल की है, और यह जबान किसके लिए इस्तेमाल की जा रही है आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आधे घंटे के लिए अगर पुलिस को हटा लिया जाए तो हम इनसे खुद निपट लेंगे। सबसे पहले आपको हिंदू संगठन का यह वीडियो दिखाता हूं कि जिसमें उन्होंने साफ साफ टारगेट किया है और पुलिस अधिकारियों के सामने यह बात कही गई है। सुनिए जरा ये बयान। एक बार आप आधे घंटे के लिए खंडवा से आप सब हट जाओ, हम निपट लेंगे उन लोगों से। हम निपट लेंगे आधे घंटे में, निपट लेंगे। तो आधे घंटे के लिए पुलिस हटाने वाली यह धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गया है। इस वीडियो के बाद मुसलमान सवाल कर रहे हैं कि आधे घंटे के लिए पुलिस हटा ली जाएगी तो आखिर हमारा क्या कर लिया जाएगा और हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं। इसी पूरे मामले को लेकर खंडवा में एसपी के पास पहुंचे हैं कुछ मुस्लिम धर्मगुरु और बाकायदा मुलाकात हुई है, ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है और वो वीडियो फुटेज एसपी को सौंपे हैं कि जिसमें पुलिस को हटा लेने की बात कही जा रही है। आपको मैं वो वीडियो भी सुनाऊंगा कि जो मुस्लिम मिलने के लिए गए हैं और जो धर्मगुरु मिलने के लिए गए हैं एसपी से, सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से, उन्होंने बाद में बाहर आकर क्या बयान दिया है। लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि अब तक जितने मामले सामने आए हैं उसमें यह मामला कुछ इस तरह का है कि जिसमें पुलिस अधिकारियों को भी आड़े हाथों लेने की बात कही जा रही है। आखिर कौन सी वो ताकतें हैं कि जो इस तरह के संगठनों को मजबूत कर रही हैं कि जो पुलिस प्रशासन का भी आदर नहीं करते और पुलिस प्रशासन से किस तरह हाथों हाथ निपटने की बात करते हैं। पुलिस प्रशासन को आधे घंटे के लिए हटाने की सीधी धमकी मुसलमानों को देते हैं। आखिर ये कौन लोग हैं, कौन सा सपोर्ट इनके पास है और कौन सी ताकत इनके पास है जो इनको ये सब करने पर आमादा करती है। कमेंट्स बॉक्स के जरिए हमें आपके ये जवाब चाहिए कि आप क्या सोचते हैं कि ये लोग कौन हैं, कौन सी ताकतें इनके पास हैं, कौन सा सपोर्ट इनके पास है कि जिसके बाद ये इस तरह के बयान देते हैं और पुलिस के सामने मजबूती से खड़े होकर कहते हैं कि सिर्फ आधे घंटे के लिए आप पुलिस वाले हट जाइए, फिर तो हम इनको खुद देख लेंगे। इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, पुरुष भी शामिल हैं, ये सब लोग मिलकर मारने पीटने और निपटने की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको वो बयान सुनाता हूं जो मुस्लिम लोग मिलने गए हैं, धर्मगुरु मिलने गए हैं एसपी से और उन्होंने बाहर आकर क्या बयान दिया है इस पूरे मामले पर, सुनिए जरा। आज हम लोग यहाँ पर एसपी ऑफिस में एसपी सर से हम मुलाकात करने आए थे। मुद्दा हमारा कुछ नहीं है, मुद्दा हमारा ये है कि कल जो सीएसपी ऑफिस के अंदर सीएसपी साहब के सामने एक व्यक्ति विशेष ने जो कुछ टिप्पणी दी है कि आधा घंटा आप पुलिस हटा लो, इन लोगों से तो हम निपट लेंगे। तो मीडिया के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने ये गुजारिश करना चाहता हूं कि ऐसा व्यक्ति अगर उसने ये शब्द कहा है तो कहीं ना कहीं उनकी कोई ना कोई तैयारी तो होगी, ठीक है। रही बात यह है कि खंडवा का मुसलमान समाज जब भी कोई आंदोलन करता है डेलीगेशन लेके आता है, आज भी आपने देखा, इससे पहले भी आपने देखा, हजारों की तादाद में जमा जरूर हुए हैं लेकिन तमाम लोग खामोशी के साथ अपना एहतजाज करते हैं। लेकिन कल की घटना की हम निंदा करते हैं, वहां पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए गए हैं, पुलिस प्रशासन को मुर्दाबाद कहा गया है, खाकी वर्दी के गद्दारों को गोली मारो सालों को ऐसे नारे लगाए गए हैं। हम पुलिस प्रशासन से ये मांग करते हैं कि पुलिस प्रशासन जो है ऐसे व्यक्तियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे ताकि आने वाले वक्त में हमारा शहर जो है, हम जो चाहते हैं अमन अमान का टापू बना रहे, वो बना रहेगा। और रही बात आधे घंटे की, तो आधे घंटे की तो बात छोड़ो साहब, अल्लाह ताला की मदद हमारे साथ है, वक्त बताएगा क्या होगा। तो सुना आपने, ज्ञापन सौंप दिया गया है, कार्रवाई की मांग हो रही है और इन मुस्लिम धर्मगुरु ने बताया है कि किस तरह से वहां नारेबाजी की गई, खाकी वर्दी को किस तरह से अपमानित किया गया और उनके सामने ये कहा गया कि आधे घंटे के लिए पुलिस को हटा लिया जाए तो हम इनसे निपट लेंगे। क्या किसी चीज को लेकर प्रदर्शन करना, किसी चीज के खिलाफ आवाज उठाना या कोई विरोध करना इतना गलत है कि आप आधे घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात करें और आप ये कहें कि हम खुद इनसे निपट लेंगे? आखिर कानून का जो रास्ता है उसको
क्यों नहीं अपनाया जाता? क्या कानून के जरिए से कोई काम होना अब अपराध माना जाएगा? क्या कानून अपना काम करने में सक्षम नहीं है जो फिर ऐसे लोगों को, इस तरह के संगठनों को सामने आना पड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि हम खुद निपट लेंगे। ये मुसलमानों को खुली धमकी दी जा रही है इस वीडियो के जरिए, और इस वीडियो को लेकर अब सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। तो अब इसमें देखना यह है कि पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन क्या कहता है। तो आइए सबसे पहले आपको यह भी सुना दें कि इसमें एसपी ने क्या बयान दिया है। अभी मुस्लिम समाज का एक प्रतिनिधिमंडल आया था यहाँ पे, और उन्होंने बताया कि कल जो सीएसपी कार्यालय के बाहर कुछ लोग इकट्ठा हुए थे एक शिकायत के संबंध में, उसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो कि आपत्तिजनक है और जिसपे कार्रवाई करने के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया है मुस्लिम समाज ने, और जिसपे हम पूरे ज्ञापन को देख के जैसा पाए तो उसमें कार्रवाई की जाएगी। कुछ नारेबाजी थी सर वीडियो में? कुछ उन्होंने वीडियो फुटेज और वो सारी भी पेन ड्राइव भी दिया है, और ऐसी चीज बताई कि उसमें आपत्तिजनक नारेबाजी और इन सारी चीजों का प्रयोग किया गया है, और जिससे कि कहीं ना कहीं एक सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ सकता है, ऐसा उन्होंने बताया है जो प्रतिनिधिमंडल था, और जिसमें हमने बताया कि उसमें जांच में जैसा पाया जाएगा उस हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त खंडवा की ये घटना काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। आधे घंटे के लिए पुलिस हटाने की बात कही जा रही है। खुलेआम धमकी देने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर मुसलमानों का क्या बिगाड़ लिया जाएगा? मुस्लिम धर्मगुरु ने भी यही कहा है, जो मिलने पहुंचे हैं इस वक्त एसपी से, उन्होंने भी यही कहा है इस पूरे मामले पर कि साहब क्या बात करते हैं आप, आधे घंटे की बात क्या करते हैं, अल्लाह की ताकत हमारे साथ है, हमारा कौन क्या बिगाड़ सकता है, यह देखा जाएगा, जब वक्त आएगा तो देख लिया जाएगा। यह अब लहजा इस तरह से बनता जा रहा है, आमने सामने की जो स्थिति है टकराव की, वो पैदा हो सकती है इस तरह के वीडियोस से, और खासतौर से जो पुलिस हटाने की बात कही जा रही है तो उससे क्या साबित हो रहा है कि आप लड़ाई झगड़ा मार काट इसके कायल हैं, आप इसके अलावा कोई और रास्ता इख्तियार नहीं कर सकते, जबकि मुसलमान हमेशा इस बात को कहते नजर आते हैं कि हम कानून का आदर करते हैं, कानून का सम्मान करते हैं। तो फिर क्यों कहा जा रहा है कि आप पुलिस हटा लीजिए? आधे घंटे के लिए पुलिस हटाने की यह धमकी किस तरह से दी गई है, एक बार फिर से सुनिए ये धमकी भरा वीडियो। एक बार आप आधे घंटे के लिए खंडवा से आप सब हट जाओ, हम निपट लेंगे उन लोगों से, हम निपट लेंगे आधे घंटे में। बात हो गई है। इस धमकी भरे वीडियो ने कई बातें साफ कर दी हैं। इस धमकी भरे वीडियो ने कुछ बातों पर से पर्दा भी हटा दिया है कि क्या पुलिस हट जाएगी तो मुसलमानों का कुछ बिगड़ जाएगा, क्या पुलिस हटाते ही मुसलमानों के ऊपर हमला करेंगे, क्या पुलिस हटाते ही मुसलमानों पर जुल्म और ज्यादती की जाएगी। लेकिन प्रशासन अपना काम किस मजबूती से करेगा, यहां यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं कि इस वीडियो पर कितनी कार्रवाई होती है और इस तरह की धमकी देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है। आप हमारे साथ इस वीडियो पर जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ एमएक्स को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।